शिमला राजभवन में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विशेष पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, नशा निवारण से संबंधित अपनी बात कही। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का अत्यंत महत्व है। देवभूमि हिमाचल पर्यटन और अध्यात्म की दृष्टि से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति से अब कहीं न कहीं देवभूमि में कुल्लू के मलाना जैसी भूमि भी है, जो नशे के लिए विदेशों तक में जानी जा रही है, इसलिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा निवारण के लिए पंचायत स्तर पर कार्य किया जाएगा तो ये एक पूरी पीढ़ी बचाने के समान होगा। मैं पंचायत विभाग के अधिकारियों की इसके लिए सराहना करता हूँ कि वह भी आगे बढ़ करके अगर 50% भी एक साल के अंदर कर लेते हैं तो जब ये जानकारी हो जाएगी तो एक बार पुनः इन लोगों को बुला करके हम स्वयं सम्मानित करने का काम करेंगे और नशा मुक्त हो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और जिस परिवारों में नशा घर कर गया वो भी चाहते हैं। जब सभी चाहते हैं तो नशा मुक्त क्यों न हो, इस अभियान में लगे और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें लगना चाहिए। इसके अटकर एक सवाल है राज्य के, नहीं ये काम सरकार की बात नहीं है। देखिए हम जो कहे हैं वो ये कहें कि यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही गाँव से नशे को दूर किया जा सकता है। आज भी जब पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष इधर लगेंगे, ब्लॉक के जो है ब्लॉक प्रमुख लगेंगे, बीडीसी लगेंगे, तो ही मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। इस नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी यहाँ से मास्टर ट्रेनर जाएंगे, उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को ले कर करके वो जा करके कि किस तरह से एजुकेट किया जाएगा कि किस तरह से जा कर करके हम लोगों को समझा बुझा कर करके लोगों को बता करके कि जिंदगी क्या होती है, लोगों को बता करके कि माता पिता क्या होता है, इस तरह से नशे को जो युवाओं में भी फैल रहा है उसको दूर करेंगे। सर दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, एक तो जो निजी जो नशा निवारण केंद्र है वहां पर गड़बड़ चल रही है और दूसरा आपने सरकार को भी कहा कि सरकारी नशा निवारण केंद्र होना चाहिए। हाँ मैंने दोनों बात कही है और गड़बड़ इसकी जानकारी मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को है, ये नहीं कि कोई मैंने ही उसको कहा है, सभी लोगों को है कि वहां पर जहां नशे को दूर करने की बात होती है केवल अपने केंद्र को बचाने के लिए वो नशा देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर सच को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद इसको दूर करना चाहिए और सरकार को आगे बढ़ कर करके, सरकार ने अपना संकल्प भी विधानसभा में भी लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन वह दिखे वह कहाँ खुल रहा है ये पता लगे, अभी कोई खुला नहीं है। इस नाते आगे इस पर विचार करना चाहिए। मैं जब से आया हूँ तब से इस अभियान में लगा हुआ हूँ, आप सभी लोगों का भी सहयोग मिलता है, मैं समझता हूँ कि सब लोग मिल करके ही हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सामुदायिक एकता से नशे जैसी प्रवृत्ति को हिमाचल से खत्म किया जा सकता है। आज की जो कार्यशाला है सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय महामहिम की सोच, उन्होंने यहाँ मीटिंग बुलाई और डिपार्टमेंट को, मैं भी उसमें मौजूद था, डिपार्टमेंट को आदेश दिए कि नशा जो है ये बहुत बन रहा है और हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने महामहिम के आदेश अनुसार SOP बनाया और आज जो कार्यशाला जो रखी है उसी के बारे में कार्यशाला जो रखी है। आज हम यहाँ केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि अपने दिलों में एक आग चलाने के लिए, एक आग जो हमारे समाज को पीड़ा देने वाली कपटी खतरे और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए है। यह एक खामोश महामारी है, एक काला साया जो हमारे घरों में, स्कूलों और समुदायों में घुसपैठ करता है।
हमारे युवाओं के सपनों को भी छीन लेता है और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इन पदार्थों का आकर्षण हालांकि बहुत क्षण भर का है पर एक लंबी और विनाशकारी जादू जो इसका प्रभाव जो होता है वो रोई डालता है। ये अपने पीड़ितों को शरीर और आत्मा में से बांध देता है, उन्हें व्यसन और निराशा के चक्र में फंसा देता है। इसका परिणाम अपार है। टूटे हुए जीवन, टूटे हुए परिवार और एक समाज जो इसकी विनाशकारी शक्ति से चिन्हित है। लेकिन हम इस अंधकार के सामने असहाय नहीं है। हमारे पास किसी भी ढंग से कहीं अधिक विल पावर जिसको बोलते हैं हथियार है, एकता की शक्ति और समुदाय की ताकत है। और यही नहीं, हमारे गांव में गांव गांव के दिल में हमारे पंचायती राज संस्थान, हमारे लोकतंत्र के आधारशिला इस युद्ध की पूंजी रखते हैं। वे हमारे ग्रामीण भारत के संरक्षक हैं, इस सामाजिक कलंक के खिलाफ पहली रक्षा रेखा है। लोगों के साथ उनके गहरे जुड़ाव हैं। वो जनता को जुटा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और प्रतिरोध की संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आइए तो सशक्त बनाए। सबसे पहले अंधकार को रोशन करें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गंभीरता वास्तविकता को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और स्ट्रीट प्ले का हमारे को आयोजन करना चाहिए। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं एनजीओ से हैं और पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पर यहाँ पे वक्ताओं ने ठीक बात बोली कि नशा एक ऐसी बीमारी है, बीमारी बोल सकते हैं, मानसिक बीमारी है जो कि हमारे भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रही है। और आज की डेट में जो सिंथेटिक रक्त है, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, प्रधान जी उन्होंने काफी लंबी चौड़ी यहाँ बात करी और बिल्कुल ठीक होता है। एक समय था लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था और उस समय केवल मात्र वो काम के पीछे कमाने के लिए बाहर शहर जाते थे और नशा भी करते थे क्योंकि उनकी जिम्मेवारी जो है उनका इंतजार जो है वो घर पे कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। जैसे जैसे हमारा देश समृद्ध हुआ है, जैसे जैसे उन्नति हुई है और पैसे आए हैं, उसके साथ जो है उसके दुष्प्रभाव जो है वो भी बढ़े। लोग आजकल उनकी आमदनी जो है वो अच्छी है, लोग माँ बाप जो है अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और खुद गांव में भी बगीचों में मेहनत कर रहे हैं, अपने खेत करने में। यहाँ पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। पंजाब केसरी के लिए शिमला से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।